तो यार अभी जो आपने क्वेश्चन देखा है थंबनेल पे, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक दूसरा अप्रोच लगाऊंगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसके बारे में मैं लास्ट में थोड़ा बात भी करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एबीसी ट्रायंगल है, और ये कह रहा है कि एंगल ए का एक बाइसेक्टर है एडी, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है कि ए बी 15 सेंटीमीटर है, ये AC जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और BC जो है ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि DC कितना होगा, ठीक है। तो ये CGL मेंस का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बट मैं आपको यह बता रहा हूं कि कोई टॉपर या जो CGL में अच्छे मार्क्स लेके आता है वो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ठीक है। अब देखिए, मुझे पता है कि जब ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल एंगल बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता होगा कि ऐसे केस में ए बी बाय ए सी बराबर बी डी बाय डी सी होता है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको ये फॉर्मूला पता होगा, आराम से आप फॉर्मूला वैल्यू यहाँ पुट करोगे और आप सॉल्व करोगे। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को, मैंने बिना पेन टच किए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर मार के आगे बढ़ गया। कैसे वो देखिए, मुझे ये आइडिया लग गया एबीसी ट्रायंगल है तो मुझे पता है कि ए बी बाय ए सी बराबर बी डी बाय डी सी होगा, ठीक है। और इसके ऑप्शंस भी, जो ऑप्शंस हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके ऑप्शंस हैं 8, 8.5, 6.5 और 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डीसी की लेंथ मुझे बतानी है और ये चारों हैं ऑप्शंस। और मैंने इसको बिना पेन टच किए किया, कैसे वो देखिए, ए बी बाय ए सी बराबर बी डी बाय डी सी, मुझे डी सी ये तो फाइंड करना है। तो मेरे भाई, क्या आप यहां देख के बता नहीं सकते हैं कि ए सी जो होगा वो फैक्टर होगा कहीं ना कहीं डी सी का, या डी सी कहें फैक्टर होगा कहीं ना कहीं ए सी का। जैसे कि मैं लिखता हूं अगर 1/2 बराबर 2/4, तो क्या यहाँ 2/4 का फैक्टर नहीं है, या क्या 4/2 को डिवाइड नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो मतलब कि डीसी का लेंथ वही एक कोई ऐसा नंबर होगा जो कि एसी को डिवाइड करे, ठीक है। एसी कितना है, एसी हमारा है 13। 13 को इन चारों में से कौन सा डिवाइड कर सकता है? एकमात्र, सिर्फ और सिर्फ क्लियरली मुझे 6.5 ही नजर आ रहा है, 6.5 ही डिवाइड करेगा, और यही हो जाएगा मेरा आंसर। मैंने बिना, मैंने, हाँ, मुझे बस इतना, मेरा दिमाग सारा तेज काम कर रहा था, मेरा दिमाग तेज काम किया कि हाँ एसी नीचे आएगा और डीसी भी नीचे आएगा, तो एसी डीसी में रिलेशन होना चाहिए फैक्टर का, और मैंने टिक कर दिया आंसर। दोस्तों यही है, आप लोग क्या है ना कि आप लोग टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह देखते हो और आप लोग सोचते हो कि हम लोग बहुत, ये लोग बहुत टफ पढ़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। ऐसा नहीं, वो लोग का फर्क बस इतना है कि वो लोग का जो इंटेंशन है वो नॉलेज बढ़ाना नहीं होता है, टाइम बचाना होता है, कि वो कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन करे ताकि वो टफ क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे पाए। क्वेश्चन जो आपके लिए टफ है वो उसके लिए भी टफ होता है, मेरे लिए भी टफ है, लेकिन फर्क यही है कि मैं उस क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम बचा लेता हूं और अल्टीमेटली मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेता हूं। कोई सॉल्व आप भी कर लेते लेकिन आपके पास टाइम तो बचा ही नहीं, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन पे आपने बहुत ज्यादा वक्त दे दिया तो आप क्वेश्चन के, आपके पास टाइम है नहीं। तो इसीलिए दोस्तों टाइम बचाने पे फोकस करो, इजी क्वेश्चन पे ऐसी मास्टरी हासिल करो, कॉन्सेप्ट्स पे ऐसी मास्टरी हासिल करो। अब यही क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर आराम से बता देगा। कोई बोलेगा कि ये है एक्स, ये है 14 - x, अब वैल्यू पुट करते रहो आंसर आ ही जाएगा। तो ये हर कोई कर लेगा, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है, तो आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक सोचना पड़ेगा। टफ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तेज पढ़ने से काम चलेगा, दिमाग दौड़ाने से काम चलेगा। तो इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।